नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा 2% से भी कम कोविड मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। भारत ने कहा दक्षिण चीन सागर सबके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। और केंद्र ने सभी राज्यों से कहा राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को छूट दी जाए। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ समापन समारोह में भाषण देंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 उपरांत बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि सत्र में बहुपक्षवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा होगी। इस दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के बारे में तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की आर्थिक पुनर्निर्माण और मानवता केंद्रित वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भागीदारी विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी संकट के समय भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोविड-19 के कारण हमें मार्च में इंडिया ईयू समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन
स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को बहाल करने के लिए कुछ शर्तों के साथ देशों के बीच आपसी यातायात शुरू किया जा सकता है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से तीन देशों के साथ सरकार की बातचीत में प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तथा पेरिस के बीच विमानों का संचालन शुरू करेगी। अमरीका के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ 18 उड़ानों को 17 से 31 जुलाई के बीच चलाने पर सहमति हुई है। जर्मनी के साथ भी बातचीत जारी है तथा लुफ्थांसा के साथ समझौता अंतिम चरण में है। श्री पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत चौथे चरण में लोगों को स्वदेश लाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मिशन के पहले चरण में 7 से 13 मई के बीच 12,700 भारतीयों को स्वदेश लाया गया और अब इससे दोगुनी संख्या में यात्रियों को प्रतिदिन लाया जा रहा है। 15 जुलाई तक 6,87,000 यात्रियों को स्वदेश लाया जा चुका है। नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला ने बताया कि यात्रियों और देशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत मिशन दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसमें यात्रियों को हवाई मार्ग से स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव बंसल ने कहा कि 13 जुलाई तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया समूह ने 1,103 उड़ानों के माध्यम से 2,00,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया तथा 85,000 व्यक्तियों को लाए जाने में मदद की। घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री इसे 25 मई से शुरू किया गया और पहले दिन ही 30,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये संख्या अब और भी बढ़ रही है। वर्तमान में जारी वंदे भारत मिशन के चौथे चरण का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत 15 से 31 जुलाई के बीच करीब 120 नई उड़ानें शामिल की गई हैं। डिजिटल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अतिरिक्त उड़ानें शामिल करने से खाड़ी सहयोग परिषद के देशों मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, यूरोप, किर्गिस्तान और यूक्रेन से स्वदेश लौटने वाले यात्रियों की मांग पूरी की जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित 2% से भी कम रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश कोविड महामारी के साथ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहा है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में 1,234 प्रयोगशालाओं में कोरोना के नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का निर्माण लगभग 6,300 वर्ग मीटर में किया गया है, जो देश में सबसे बड़ा ओपीडी ब्लॉक है। इसमें एक स्मार्ट लैब है जिसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच करने की क्षमता है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 6,12,815 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,783 लोग स्वस्थ हुए। फिलहाल देश में कुल 3,31,146 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32,695 लोग संक्रमित हुए। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटों में 606 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 24,915 हो गए। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज कहा कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम से पूरी की जाएंगी। इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तर प्रदेश बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस में 30% कमी करने का फैसला किया है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज कहा कि यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया और अब प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं इस नए पाठ्यक्रम के हिसाब से चलेंगी। उन्होंने कहा कि कक्षा पाठ्यक्रम और चैप्टर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की मदद से माहवार सालाना शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम जल्दी ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अब 30% कम होने के बाद बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को भी 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से पहला हिस्सा ऐसा होगा जिसे ऑनलाइन माध्यम से या दूरदर्शन की मदद से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरा हिस्सा वो होगा जिसे छात्र स्वाध्याय के जरिए पढ़ सकेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम हिस्से को प्रोजेक्ट वर्क के जरिए कराने का प्रयास किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोविड 19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच वहां इस संक्रमण से होने वाली मौतों में पिछले 2 महीनों में पहली बार 4% की कमी आई है। बुधवार तक महाराष्ट्र में इस संक्रमण के 2,75,640 मामले थे और इससे मरने वालों की संख्या 10,928 तक पहुंच गई थी। बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर 3.96% दर्ज की गई। एक हफ्ते पहले यह मृत्यु दर 4.22% थी और उससे पहले के सप्ताह में 4.47% थी। वहीं मुंबई में मृत्यु दर 5.6% है, जो राज्य के औसत से अधिक है। दूसरी ओर उत्तरी मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग सफलता हासिल करता दिख रहा है। दहीसर, बोरीवली और कांदिवली क्षेत्रों के कुछ वार्डों में रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जा रहे हैं और अब तक 754 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है। उनमें से 26 को कोरोना से संक्रमित पाया गया और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच कल आधी रात से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 10 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी लागू हो गई। 26 जुलाई तक यह तालाबंदी लागू रहेगी। एक अन्य घटनाक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने आज कहा कि महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों की व्यापार सलाहकार समिति राज्य में कोविड 19 की स्थिति और विधानमंडल के मानसून सत्र के आयोजन पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह मिलने की संभावना है। सिटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए आज से 31 जुलाई तक 16 दिन के लिए पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने पिछले 3 सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोविड 19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लॉकडाउन का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे। निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जी और मीट की दुकानें खुली रहेंगी। ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तथा किसी भी धार्मिक समागम की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेगी, हालांकि निजी वाहनों को सीमित कार्य के लिए परिचालन की अनुमति होगी। इस दौरान रेल और विमान सेवा जारी रहेंगी। कृषि से संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध नहीं होंगे। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया है। राज्यभर में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। तमिलनाडु में आज कोविड के 4,549 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,56,000 को पार कर गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सी विजय भास्कर ने आज चेन्नई में पत्रकारों को बताया कि सरकारी अस्पताल में दाखिल गर्भवती महिलाओं में से 10-12% के बीच कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं के मामले में सभी सावधानियां बरते जाने को देखते हुए कोई खास जोखिम नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जब गर्भवती महिलाओं में कोविड 19 संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनका मनोवैज्ञानिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार अधिकतर मामलों में डरने की आवश्यकता नहीं है। कोविड 19 संक्रमित गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किया गया है। पिछले 3 महीनों में राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में मातृत्व वार्डों में भर्ती गर्भवती महिलाओं में 1606 महिलाओं में कोविड 19 की पुष्टि हुई है। उनमें 1104 महिलाओं ने सुरक्षित तरीके से बच्चों को जन्म दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गई। 491 विशेष वार्डों में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। कोविड 19 संक्रमित महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए 10% बच्चों में कोविड 19 के लक्षण मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी संक्रमित बच्चे के मरने की खबर नहीं है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गोवा में कोविड 19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने कल से रविवार तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन की तिथियों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 10 अगस्त तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। कर्नाटक में आज 4,169 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 30,655 हो गई है। इस महामारी से आज 104 लोगों की मृत्यु हुई है। एक दिन में मरने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। राज्य में मृत्यु दर बढ़कर 2.01% हो गई है। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज पर्यटन और तीर्थ यात्रा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 126 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं का उद्घाटन गांधीनगर में वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने गुजरात को वैश्विक पर्यटन नक्शे पर लाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री रूपाणी ने कहा कि कोरोना महामारी और वैश्विक मंदी के बावजूद गुजरात के विकास की यात्रा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, कांसनगिर सिंह दर्शन, गिरनार पर्वत, ऊपरकोट और सोमनाथ समुद्र तट को जोड़ने के लिए एक पर्यटन सर्किट स्थापन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गिरनार पर्वत पर शुरू होने वाला रोपवे पूरे पर्यटन क्षेत्र के लिए नया आकर्षण होगा। श्री रूपाणी ने कहा कि राज्य का पर्यटन क्षेत्र बड़े पैमाने में रोजगार प्रदान कर रहा है और आर्थिक विकास में एक नई ताकत बन रहा है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस क्रम में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग चिकित्सा के प्रोफेसर डॉ नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, परिवार के साथ समय बिताने और योग करने की सलाह दी। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉ संजय पांडे ने सलाह दी है कि जब घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा 2% से भी कम कोविड मरीजों को ICU में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। भारत ने कहा दक्षिण चीन सागर सबके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा, भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध।
केंद्र ने सभी राज्यों से कहा, राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को छूट दी जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर विश्व के साझा क्षेत्र का हिस्सा है और इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता में भारत की गहरी रुचि है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति सतत और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन और इनके ऊपर विमान संचालन की स्वतंत्रता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अबाधित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भारत वचनबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का विश्वास है कि कोई भी मतभेद कानूनी और राजनयिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। भगवान राम के बारे में नेपाल के प्रधानमंत्री के हाल की टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत की समृद्ध सभ्य धरोहर विश्वविख्यात है। उन्होंने कहा कि नेपाल का विदेश मंत्रालय इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय अधिकारी पाकिस्तान द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर कुलभूषण जाधव के साथ बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव के साथ अबाधित बेरोकटोक और बिना किसी शर्त के राजनयिक संपर्क का अनुरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के वापस आने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इस बारे में रिपोर्ट जारी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी होंगे। इस यात्रा के दौरान वो पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षा मंत्री के साथ उत्तरी सेना के कमांडर सहित कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भी होंगे। चीनी घुसपैठ के बाद रक्षा मंत्री की ये लद्दाख की पहली यात्रा है। श्री सिंह अटल दर्रा भी जाएंगे। भारत और चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों से अपनी अपनी सेनाएं हटाने और पूरी तरह शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी रखेंगे। India and China have been engaged in discussions through established diplomatic and military channels to address the situation along the LAC in India-China border areas. The two sides remain committed to the objective of complete disengagement and full restoration of peace and tranquility in the India-China border areas. प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाएं वापस बुलाने का मुद्दा जटिल है, इसलिए अप्रमाणित और निराधार खबरों से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय पश्चिमी सेक्टर से सेनाएं पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती और उनके बीच टकराव को रोकना है। ये दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की परस्पर समझबूझ पर आधारित है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट अपने क्षेत्र में अपनी नियमित चौकियों पर कुछ विशेष स्थलों पर फिर से तैनाती पर सहमत हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि परस्पर सहमति से पुनः तैनाती को अनुचित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा को मानने तथा उसका सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसे यथास्थिति में किसी प्रकार के बदलाव की एक तरफा कोशिश स्वीकार नहीं है। सीमा के मुद्दों पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस महीने की 5 तारीख को टेलीफोन पर बातचीत की थी। भारत चीन सीमा के बारे में परामर्श और संयोजन के लिए कार्यकारी तंत्र की बैठक इस महीने की 10 तारीख को हुई थी। इन बैठकों में दोनों देश द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमा पर पूरी तरह शांति बहाल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से पूरी तरह सेनाएं हटाने और तनाव कम करने पर सहमत हुए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें।
सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा के सचिव द्वारा कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। विधायक पृथ्वीराज मीणा और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों द्वारा दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति सतीश चंद शर्मा की अदालत में आज दोपहर दो बार सुनवाई हुई। पहली बार याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। संशोधित याचिका शाम 5 बजे फिर प्रस्तुत की गई, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी करके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा अन्य 18 विधायकों को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्य ठहराने के लिए कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी। इन विधायकों को उत्तर देने के लिए कल तक का समय दिया गया था। राज्य में पिछले 6 दिन से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि उनके समर्थक विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा है कि वे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए किसी भी तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि कोई विधायक पार्टी में वापस आना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। इन सबके बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के उपाध्यक्ष परेश भाई वसावा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार के साथ है। कांग्रेस और बागी हुए विधायकों के बीच चल रहे संघर्ष का मामला आज अदालत में पहुंचने के बाद इस मामले का अब जल्द पटाक्षेप होने की उम्मीद बहुत कम बची है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुधन बुनियादी ढांचा विकास कोष को लागू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने विभिन्न क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस कोष को मंजूरी दी थी। मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार डेयरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। और अब कल के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और आंधी और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 24 तथा अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें आने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में हल्के बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर आंधी और तेज बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने या वर्षा होने और गरज के साथ छींचे पड़ने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से रवि कपूर। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा 2% से भी कम कोविड मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।